बॉक्स के अंदर है आईकु का नया मिड रेंज डिवाइस। इसके अंदर लिखा भाई नियो 6, न्यू हो रहा भाई सब कुछ। ओ भाई अच्छे सेल के दिन खोलना था, हमने अभी खोल लिया। बट भाई फोन को देते ही से, ये है IQ का नया मिड रेंज धमाल। इस वाले स्मार्टफोन की हमने पेपर पे जन्म पत्री देगी, खाते पीते घर का डोले ओले स्पेक्स वेक्स में एकदम सॉलिड। बट मिड रेंज का बादशाह बनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, हम चेक कर लेंगे। बादशाह अरे बादशाह ये हमारे स्टूडियो में सिंगिंग लेसन सिखा करता है ना भाई DJ राजेश। इसका डब्बा जैसे IQ स्टैंडर्ड है, साइड में तिरछा। ये स्मार्टफोन है भाई, तो देखा देखा सा लग रहा है, अभी वीडियो बनाई थी ना इसकी। इसके साथ साथ IQ ने अपना कूलिंग डॉक और गेमिंग स्लीव्स निकाल रखी है। कूलिंग डॉक से क्या होता है, जैसे हमारे अंदर गर्मी रहती है ऐसे फोन के अंदर भी रहती है, वो निकल जाएगी भाई बढ़िया से। और एक्चुअली होता है गर्मियों के मौसम में जब ऐसे गेम वेम खेलते हैं ना, हाथ में पसीना आ जाता है या फिर आप खाना पीना खेल के आओ तेल वाली उंगली हो जाती है, उसके बाद खेलने में मजा ही नहीं आता यार, उसके अटकने लगते उंगली। ये गेमिंग स्लीव्स हैं, इससे भाई मस्त स्लाइड करता है, तेजी से एक्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अंदर का माल मसाला हम चेक करते हैं। एक केस है जो काफी स्टैंडर्ड है, एक नॉर्मल सा दिखने वाला चार्जर, बट ये एक्चुअली 80 वॉट का है। एक हेडफोन जैक वाला अडैप्टर जो USB-C से लग जाता है, एक USB टाइप सी केबल। और आजकल भाई केबल मोटी होती जा रही है यार, स्पाइडरमैन ने जो ट्रेन रोकी थी ना वो मोबाइल की केबल थी। बट ये है भाई फाइनली न्यू, यहाँ पे लिखा है न्यू OIS AI कैमरा। ये खाली कुछ चंद अक्षरों की वजह से ये अलग से प्लेट ऐड करी गई, जैसे घरों का नेम प्लेट होती है, गाड़ी की अपनी प्लेट होती है, दिस इज कैमरा प्लेट। बस इसमें खाना नहीं खा सकते। डिजाइन डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग सा है, यहाँ पे न्यू पे हल्का सा बंप है और कैमरा वाले पे थोड़ा सा और बड़ा बंप कर दिया। नीचे की साइड IQ लिखा हुआ है, हल्का सा ऐसे एक मैट टेक्सचर वाली फील है, और साइड में पूरा जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट में। हमने पहले भी ये सारी चीजें बता रखी है, बट ऊपरी साइड पे एक सेंसर है, राइट साइड पे पावर बटन वॉल्यूम बटन, नीचे की साइड पे एक स्पीकर है USB टाइप सी और एक सिम इजेक्टर, ऊपर की साइड पे एक IR ब्लास्टर है जो IQ 9 प्रो में भी था, और लेफ्ट साइड सफाट। अब टाइम आ गया भाई, देखो टेक अलग है, फोन अलग है, स्पेक्स वेक्स सारी साइड की चीजें हैं। जो चीज होती है ना, पहला स्पर्श स्कॉट सेंसेशन ग्लास फील हो गया भाई हमको। पहले हमने काफी सारे फोन्स पे टेस्ट करके, मतलब एक्चुअली काफी ड्यूरेबल रहता है। कलर भी दो वेरिएंट्स आते हैं, ये वाला थोड़ा सा डार्क वाला वेरिएंट है, एक थोड़ा लाइट वाला कलर भी आता है, दोनों ही मजेदार है। मेरे को पर्सनली लाइट वाला, क्योंकि हम उजाले हाथ में पकड़ने में पतला सा लगता है, हल्का सा एक कर्व भी है, बट बैक साइड में काफी अट्रैक्टिव सा ग्रेड। फ्रंट साइड में पहली चीज आप नोटिस करो, ओह भाई फिंगरप्रिंट दे रखा है और काफी तेजी से घूमता है। आप लोगों को लग रहा हो न्यू न्यू क्या, ये एक्चुअली नियो भैया ने ही हमको फोन डिलीवर करा था मैट्रिक्स से आगे। दोस्तों एक चीज मैंने देखी है, फ्लैगशिप अगर बनाना है तो उसके लिए यू नीड सैक्रिफाइसेस। हेडफोन जैक की जगह यहाँ पे एक अडैप्टर लगा दो, काम तो सेम ही करता है। इस फोन की प्लास्टिक फिनिश मतलब हाथ में पकड़ने में प्रीमियम लग रही है, और ऐसा फील हो रहा है कि अगर गिर भी जाएगा तब भी थोड़ी ऐसे मजबूती से टिका रहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। गिरा के नहीं देखेंगे क्योंकि फोन्स आर क्लोज टू माय हार्ट। इसमें 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, मतलब फ्लैगशिप में इतना नहीं आता, और लाइक जितना बड़ा नंबर उतना तगड़ा होता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और जैसे कि देख सकते हो काफी स्मूथली स्लाइड लाइट कर लेता है। इसमें एक E4 AMOLED डिस्प्ले है, साइड से भी अगर मैं दिखाऊंगा तो भी कलर्स काफी अच्छे हैं भाई, मजा तो आ रहा है भाई। Oh my God, yes! भाई क्या ग्राफिक्स आ रहे हैं, आहा, AVG तो सी हो गए हैं। सी मतलब चलेगा ना, सी होगा। बट भाई इस बार तो भाई हमारी जीत है, इस साला कब नम दे। स्पीकर में भी आवाज बढ़िया आ रही थी भाई, एक बार और चेक करते हैं रूम। ओ बड़ा डबल स्पीकर काफी बढ़िया है भाई। एक चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है कि ऑल्दो दिखने में ऐसा गेमिंग फोन नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें भी ना, जैसे स्पीकर है तो अगर आप ऐसे गेम खेलोगे ना तो ये फ्रंट फेसिंग है, ये वाला थोड़ा ऊपर की साइड है, तो गेम खेलते में ढकेगा नहीं, सही रहता यार। इसमें वाइड वाइन 11 का सपोर्ट है, जिन्होंने पता नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम सब पे जंगली वीडियो होती है ना, इसलिए इसको भी अंदर वाइल्ड वाला चाहिए रहता है अच्छी क्वालिटी में दिखाने के। मजाक कर रहा था भाई, इसमें हाई क्वालिटी में दिखती है वीडियो। अब वैसे कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन्स में 10-bit डिस्प्ले भी आने लगे, और दोस्तों स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, सब्सक्राइब बटन को भी दिखा सकते हो प्यार, बट परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 870 है, और ये वाला प्रोसेसर किसी भी एक मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए काफी तगड़ा है। वैसे एवरीडे यूज में हमने न्यू भैया के चेहरे पे जितना भी स्वाइप करा, लेफ्ट स्वाइप करा, राइट स्वाइप करा, इन्होंने कभी ग्लिच विच नहीं मारा, एकदम खुश है चेहरे पे, देखो हंसी देखो। जो एप्स भी हैं ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं नहीं, बट लाइक हम गेमिंग की टेस्टिंग करेंगे ना भाई। BGMI अभी 60 FPS आ रहा था, बट ये BGMI का अपना ऐसा वो होता ना बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज, मतलब उसमें गेम वेम खेली जाती है, उसमें भी यही वाला ऑफिशियल फोन है, और इसमें जल्दी 90 FPS BGMI में भी आपको देखने को मिल जाएगा। गेमिंग वाले जितने फीचर्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करोगे IQ के स्मार्टफोन से, 4D गेम वाइब्रेशन है, जो हैप्टिक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा सेटिंग में गेम खेल रहे हैं जो भाई काफी तगड़ा है भाई, खाली फ्लैगशिप प्रोसेसर इस सेटिंग पे चला पाते हैं भाई, अब तो हम ऐसे ही खेलेंगे भाई एरोस्कोप से ही ऐसे करके।
ओ भाई एक ऊपर देख रहा था चंदा मामा दिखा दिया मैंने इसको भाई पूरी सेटिंग मैंने फुल कर रखी है और कहीं पे भी फ्रेम ड्रॉप या डिले या लैग नहीं आ रहा भाई काफी बड़ी बात है साउंड वो भी काफी बढ़िया रही अब भाई अब गन से नहीं मारेंगे बम से ही फोड़ेंगे ओ ये देख रहा भाई साइड में देख रहा था बंदा भाई क्या पिटाई कर रहा हूँ यार मैं मजा तो आता है भाई गेम में खेलने में इसमें फंटा चॉइस दिया हुआ है जिसको यूज करने में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है बाकी जितनी भी चीजें एक्सपेक्ट करोगे जैसे सेटिंग्स में भी अगर आप जाओगे तो इसमें एंड्रॉइड 12 पड़ा हुआ आईक्यू का अपना 12 o'clock इज द गुड टाइम हमने आईक्यू के सीईओ से भी बात करी थी उन्होंने बताया हमको भाई अपना यूआई यार अब एक्साइटिंग तो रहेगा बैक साइड में अगर ध्यान से देखोगे एक दो भाई छोटा सा ये दिख नहीं रहा है बट ये इसीलिए क्योंकि ये बिना दिखे अपना काम कर देता है आईक्यू वाले मिस्टर इंडिया से मिले थे ना तो इसलिए वाला कैमरा ऐसा करते बैक साइड में एक 64 मेगापिक्सल कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल अपना मैक्रो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा और हम चेक करते हैं वाइड में खींच लेते हैं 2x में प्राइमरी वाले को ऐसे जूम इन करके दिखा था बट इसकी भी खींच लेते हैं फोटो जैसे कि देख सकते हो भाई काफी अच्छी आई है जो बैकग्राउंड में जो कलर्स भी है ना इसके आर पार भी दिख रहा है और जूम करके दिखाऊं पेड़ पौधे जो बेचारे हवा की वजह से कट गए वो भी काफी क्लियर से आ रहे हैं ये पोर्ट्रेट मोड में एक नॉर्मल चीज है कैमरे में जो स्किन टोन्स हैं और जो डिटेल है वो काफी अच्छे लग रहे हैं वेंकटेश भाई भी खुश लग रहे हैं पोर्ट्रेट फोटोज में भी जो एज डिटेक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है सही है भाई फोटोज वीडियो में बैक साइड भाई 4K 60fps और फ्रंट साइड वाले पे अगर आपको लेना तो 1080p 30fps पे चल जाता है OIS बैक साइड वाले कैमरे के ऊपर है स्टेबिलाईजेशन सही आती है हमने एक्चुअली टेस्ट करा था OIS को तो आप देख सकते हो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर यूजुअली इस प्राइस पॉइंट पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरे होते हैं उसमें मतलब थोड़ा सा ऐसे कम क्वालिटी की इमेज आती है बट इसमें जो कलर्स हैं जो कॉन्ट्रास्ट है काफी अच्छे और शार्प फील हो रहे हैं इसमें डायनेमिक रेंज है जैसे ब्राइट भी है बैकग्राउंड तब भी काफी अच्छे से उसमें चीजें दिख रही हैं आपको और कलर्स भी काफी एक्यूरेट लग रहे हैं और भी हमने फोटोज खींची भाई ये हर्ष भाई एडिट कर रहे हैं ये वाली सन के अगेंस्ट खींचे जैसे कि देख सकते हो हल्की सी ऐसे फ्लेयर आ रही है बाहर की साइड से ये वाली वीडियो भी बना रखी है इसमें भी स्टेबिलाईजेशन सही लग रही है ओवरऑल जो कैमरे का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से काफी क्रिस्प है जो क्लैरिटी आ रही है और जो एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट है जो कलर्स हैं वो काफी बैलेंस्ड और काफी अच्छे से फील हो रहे हैं इफेक्ट्स भी काफी आ रहे हैं और सारी अच्छे से काम करते हैं अगर आपको नेचुरल फोटोज खींचने वो भी अच्छा है इसमें 80 और चार्जिंग और बैटरी एक्चुअली काफी अच्छी चल जाती है 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाती है अगर आप मीडियम यूज करोगे 80 वॉट की चार्जिंग से फोन आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है हमने इस बार स्मार्टफोन में 30 मिनट तक काफी अच्छी खासी हैवी गेमिंग करी थी और उसके बाद इसमें खाली 9 से 10% का डिक्रीज आया था जो अच्छा है ऐप पिनिंग का फीचर है जिसमें आप फोन पे एप्स को मतलब ऐसे स्क्रीन पर छोड़ सकते हो बच्चे अच्छे हैं अंदर किसी को गेम खेलने गेम खेलता रहेगा बट लाइक कॉल वॉल मैसेज कुछ नहीं कर पाया पैसे पेटीएम अपना सेफ टू सेफ और इसको ब्रेक करने के लिए बैक और रीसेंट बटन को ऐसे दबा के रखना पड़ता है एंड्रॉइड अपडेट्स 2 साल के और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आईक्यू प्रोवाइड कर रहा है इसके साथ साथ आईक्यू के फोन में कोई भी दिक्कत आती है तो इनके 650 प्लस सर्विस सेंटर्स हैं सर्विस की क्वालिटी काफी मस्त रहती है आईक्यू के फोन यूजुअली काफी परफॉर्मेंस सेंटर होते हैं बट ये वाला इसके अंदर थोड़ा नया दिल है न्यू लिखा ना और परफॉर्मेंस के साथ साथ जो कैमरा है जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है बैटरी में डिस्प्ले में वो भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस 28 से 30 के अराउंड होना चाहिए जो इस वाले स्मार्टफोन के लिए डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग प्राइस है और सेल की डेट भाई डब्बे में हमने भी देख ली थी 31 मई को लॉन्च हो रहा है भाई अमेजोन प्राइम और अमेजोन पे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जिसमें खेल सकते हैं और आईक्यू नियो 6 जीत जाएंगे मजा आएगा यूजुअली मिड रेंज फोन में हल्का फुल्का ऐसे चीजें रह जाती है बट अगर आपको आईक्यू का यूआई पसंद है और इसकी डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो ये डेफिनेटली एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है मिड रेंज सेगमेंट में और हमको काफी एक्साइटेड है होपफुली आपको भी लगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय